नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज अभिलाषा और मेरा आज का वीडियो है बादामी के लेक साइड टेंपल का। इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं लेक, बादामी के लेक, वहां के टेंपल्स और वहां की खूबसूरती को। फ्रेंड्स, बादामी हुबली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पहुँचने में आपको लगभग 2 घंटे लगेंगे। आसानी से यहाँ पे कैब, बसेस, सभी कुछ आपको मिल जाएंगे जाने के लिए। बादामी पहुँचने के बाद आप बहुत कुछ देख सकते हैं, वहाँ के केव्स को, वहाँ के फोर्ट को और वहाँ का म्यूज़ियम, लेक साइड टेम्पल, लेक साइड व्यू, बहुत कुछ है देखने के लिए। बादामी यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसे शामिल किया गया है और काफ़ी सुंदर जगह है, काफ़ी ज़्यादा पुराना जगह है, जहाँ पे आप हिंदू टेंपल्स, हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारे जो रॉक्स में कटिंग करके आर्किटेक्चर होता है, आप उन्हें देख सकते हो। जैन का भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको इस केव में और आपको देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छा है। लेक साइड व्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा शांति देने वाला है। काफ़ी सारे यहाँ पे स्टेप्स बने हुए हैं जिसमें आप स्टेप्स पे उतर के अपने पाँव को पानी के अंदर डाल के और मज़ा ले सकते हो। हमने देखा काफ़ी सारे लोग जो थे वहाँ फिशिंग कर रहे थे। काफ़ी बढ़िया जगह है जहाँ पे मुझे लगता है अगर आपको बादामी को अच्छे से घूमना है तो सुबह से शाम तक का समय लगेगा। म्यूज़ियम भी दर्शनीय है, काफ़ी अच्छा है। बादामी आए तो आप आने के बाद एक सावधानी रखें, यहाँ पे काफ़ी सारे बंदर हैं, इसलिए खाने पीने की चीज़ों को लेके ना अंदर आएं, क्योंकि बादामी में आते के साथ आप देखोगे काफ़ी सारे मंकीज जो हैं वो चले आएंगे, और अगर आपके हाथ में कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, इवन बॉटल्स भी है, तो उसे आप छुपा के रखिए, नहीं तो बंदर उसे खींच के ले जाते हैं। काफ़ी बढ़िया जगह, इसलिए अगर खाना है, पूरे सभी को एंजॉय करना है तो पहले से ही अपने पेट पूजा करके आएं और तभी आप एंजॉय कर सकते हो। काफ़ी सुंदर है। पहले के एक वीडियो है जिसमें मैंने केव्स के बारे में दिखाया है और बादामी केव्स के बारे में दिखाया है, जिसमें कितनी सुंदर जो रॉक कटिंग आर्ट जो होता है या स्कल्पचर जो है वो काफ़ी सुंदर सुंदर बने हुए हैं। हिंदू देवी देवताओं के जो कार्विंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। चालुक्यन एरा का बोला जाता है कि ये सारा का सारा टेंपल का निर्माण है। बहुत सारे टेंपल्स हैं वहाँ पे जहाँ की आपको आर्किटेक्चर देखने में बनती है। एक एक चीज़ों को आप देखोगे तो आप देखोगे कि हमारा जो पौराणिक ये जो सारी चीज़ें हैं वो कितनी सुंदर हैं। काफ़ी मज़ा आता है। आप अंदर आने के बाद बादामी में आपको टिकट लेना है। टिकट लेने के बाद आप यहाँ पे पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हो। काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर। अगर मौसम अच्छा है तो यहाँ की खूबसूरती देखने लायक होती है। झरने हैं, पहाड़ है और पहाड़ के ऊपर सारे पेड़े हैं। बहुत बढ़िया जगह है, फुल टाइम इंजॉय करने के लिए काफ़ी अच्छा है। होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और आप भी बादामी जब भी कर्नाटका आओ बादामी जाना ना भूलें। जैसे हम्पी है, अन्नीगिरी है, बादामी है, मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें कर्नाटका के काफ़ी काफ़ी सुंदर जगह जो बहुत सारे लोगों ने शायद ना भी देखा हो, वैसे भी जगहों का वीडियो है। तो प्लीज़ चेकआउट करें ये सारे वीडियो और मेरे इस वीडियो को और बादामी की इस खूबसूरती को ज़रूर इंजॉय करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड चैनल। थैंक यू।